हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 का द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कितने वेरियस टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी सराउंडिंग्स कैसी है, किस सराउंडिंग में वो सर्वाइव करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग लोकेशंस की, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि गंगा की बात करें, रिवर गंगा मतलब ऋषिकेश की बात करें, तो वहाँ का क्लाइमेट आपको एक अलग तरीके का दिखेगा। जैसे यहाँ पहेली और बूजो की बात ली गई है कि वो एक ट्रिप पर गए और वहाँ पर अगर वो रिवर गंगा के वहाँ गए हैं ऋषिकेश में, तो उन्होंने देखा कि वो क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेन्स को हिमालयाज के, जहाँ पर बहुत ही कोल्ड एटमोसफियर है। वहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो भी बहुत ही अलग काइंड की ट्रीज़ उन्हें देखने को मिली, जैसे ओक्स, पाइन्स, दियोदार्स, इस टाइप के डिफरेंट ट्रीज उन्हें वहां पर देखने को मिले। इस तरह से अगर वो दूसरी ट्रिप उन्होंने की थी राजस्थान की, जहां पर उन्हें बहुत सारे एनिमल्स में देखने को देखे देखा जाए तो कैमल्स उन्हें सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, ऊंट उन्हें सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, और वहां का जो क्लाइमेट था वो उन्हें हॉट लगा है, बहुत ही हॉट क्लाइमेट वहां का, हॉट डेजर्ट था इसके कारण। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट वहाँ पर प्लांट की अगर स्टडी करें तो वहाँ उन्हें कैक्टस प्लांट सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि कैक्टस प्लांट जो है वो हॉट क्लाइमेट में भी या हॉट एटमोसफियर में भी सर्वाइव कर सकता है। फिर वो गए पुरी, दैट इज ओरिसा। अगर ओरिसा में जाकर वो विजिट किया उन्होंने पुरी को, तो सी बीच उन्हें देखने को मिला, जहाँ पर उन्हें कॉसैरिना ट्रीज बहुत सारे देखने को मिले। वहाँ उन्हें अलग अलग ट्रिप पे उन्होंने अलग अलग चीज़ों को नोटिस किया कि वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो वो किस तरह से डिफरेंट हैं और वहाँ का क्लाइमेट किस तरह से डिफरेंट है। कोई जगह उन्हें कोल्ड लगी, कोई जगह उन्हें हॉट लगी, कोई जगह ड्राई थी, कुछ जगहों पर उन्हें ह्यूमिडिटी भी महसूस हुई। तो इस तरह से उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनके सराउंडिंग भी डिफरेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो वहाँ सर्वाइव करते हैं। अगर हम देखें अर्थ के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैं, जिस तरह से हम यहाँ बात कर सकते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक चीज़ हमें पता है कि अगर आप ये सोचें कि अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लिविंग क्रिएचर नहीं है, तो ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी। आप अगर अपने घर के कपबोर्ड में भी देखेंगे ओपन करके, तो आपको स्पाइडर्स वहाँ दिखेंगे, मतलब वहाँ भी लिविंग क्रिएचर है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह। इवन यहाँ तो आप अगर देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वोल्केनोज के ओपनिंग में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़रूर दिखेंगे। यहाँ डायग्राम में हमें दिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स यहाँ पर डायग्राम में या इस पिक्चर में बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग, जहां पर वो रहते हैं, तो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो किस तरह के सराउंडिंग में रहते हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, जहां में डेजर्ट सबसे ज्यादा डेजर्ट है, वहां में कैमल सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कैमल्स इसलिए क्योंकि कैमल्स को वाटर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। कैमल एट ए टाइम में एक ही बार में वो काफ़ी पानी पी लेता है, और यूरिन जो होती है वो बहुत ही कम होती है कैमल को, और स्वेट नहीं होता, इसके कारण पानी की ज़रूरत उसे जल्दी जल्दी नहीं पड़ती एंड वहाँ पर कैमल इजीली सर्वाइव कर सकता है। अगर माउंटेन एरिया की बात करें तो वहाँ आपको गोट और याक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि माउंटेनियस एरिया जो होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, और गोट्स और याक की स्किन के ऊपर, ये कह सकते हैं बॉडी के ऊपर एक स्पेशल स्किन लगी होती है, या कह सकते हैं फर लगा होता है, जिसके कारण कूलनेस उन्हें जल्दी महसूस नहीं होती, तो वो वहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकते हैं। जैसे पुरी की बात करें तो पुरी हमारा एक बीच का एरिया है, या कह सकते हैं सी एरिया है, तो वहाँ पर आपको क्रैब्स और फिश, इस टाइप की वैरायटी ऑफ क्रैब्स और फिश वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, और वो डिपेंड करता है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके हिसाब से आपको क्रिएचर्स वहाँ पता चलेंगे। जैसे हम एंट की बात करें तो एंट आपको डिफरेंट लोकेशंस में मिल सकती है, क्योंकि एंट जो है वो मोस्टली आपको कूल प्लेसेस में मिलेगी, पर ज़्यादा कोल्ड रीजन भी ज़रूरी नहीं है एंट्स के लिए। तो इस तरह से एंट जो है वो आपको वेरियस लोकेशंस पर मिल सकती है। जैसे एक्टिविटी हमें यहाँ पे दी है कि अगर आप एक फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट में जाकर अगर आप एक लिस्ट बनाएं कि किस तरह के एनिमल्स, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उस फॉरेस्ट के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। जैसे फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में क्या क्या होगा, सी की बात करें तो सी में किस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, डेजर्ट की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इन सब में। तो टेबल 9.1 में हमें यही चीज़ दी हुई है कि एनिमल, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को हमें डिफरेंट सराउंडिंग में हमें क्या क्या मिल सकते हैं, वो हमें इस टेबल में लिखना है। जैसे इन द फॉरेस्ट आप कौन से टेबल प्लांट्स और अदर एनिमल प्लांट्स और कौन से अदर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, माउंटेन्स में आपको क्या दिखेंगे, डेजर्ट में क्या दिखेंगे, सी में क्या दिखेंगे, ये आप यहाँ पर इस टेबल में फील कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं
हैबिटेट एंड अडाप्टेशन की. हैबिटेट और अडाप्टेशन में हमें सबसे पहले देखना है कि कुछ एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट कुछ अलग जगह है, वाइल अडाप्टेशन ये है कि वो किस तरह के क्लाइमेट को अडाप्ट कर रहे हैं. कोई एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हॉट क्लाइमेट में रहना अडाप्ट करते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट अडाप्टेशन की प्रोसेस है. तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सलाइन वाटर से या सॉल्टी वाटर से पूरी तरह से सराउंडेड होते हैं, लेकिन वो ईजिली उसमें सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वो उस सलाइन वाटर में से ही एयर को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर. सॉरी, जो एयर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर उसी को वो यूज़ करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए या उनके ब्रीदिंग के लिए. जैसे कि हम देख सकते हैं डेजर्ट में बहुत ही कम वाटर होता है, बहुत ही लिटिल वाटर अवेलेबल होता है क्योंकि, और डे के टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत ही हॉट क्लाइमेट वहाँ पे आपको पता चलेगा, वाइल नाइट के टाइम पे आपको बहुत ही कूल क्लाइमेट पता चलेगा. तो वहाँ पर उस हिसाब से प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स डेजर्ट में लीव करते हैं तो सॉइल के अंदर, और ब्रीथ भी करते हैं एयर के अंदर सराउंडिंग्स में वहाँ पर इजिली, पर वो वहीं के एनिमल्स हैं जो वहाँ पर लीव कर सकते हैं. और सी और डेजर्ट में अगर कंपेयर करें तो इन दोनों का जो सराउंडिंग है वो टोटली डिफरेंट है. सी के अंदर का जो क्लाइमेट है या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है वो टोटली डिफरेंट होता है, इसलिए जो सी के एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो भी सी में सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे कैमल की बात लें, डेजर्ट में कैमल सर्वाइव करता है क्योंकि कैमल के पास में लॉन्ग लेग्स हैं, तो लॉन्ग लेग्स के कारण ये होता है कि जो हॉटनेस होती है सैंड की वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो इजिली उसके अंदर खड़ा रह सकता है या काफ़ी घंटों तक उस सैंड के अंदर या उस डेजर्ट के अंदर कैमल सर्वाइव कर सकता है या रह सकता है, खड़ा रह सकता है, चल सकता है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कैमल का यूरिन होता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है, दूसरा उसका डंग जो होता है वो भी ड्राई होता है, और कैमल को स्वेट नहीं आता, इसके कारण उसके जो बॉडी में वाटर होता है उसका एक्सक्रीशन बाहर नहीं हो पाता ज़्यादा, और इसीलिए उसकी बॉडी को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है. अगर फिश की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश इन द सी. आप देख सकते हैं सी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश रहेंगी और सबके अलग अलग अपने अपने फंक्शंस होंगे. खाने की चीज़ें अगर देखा जाए, फूड भी उनका डिफरेंट होगा, लेकिन एक बात आप देख सकते हैं, ध्यान में ला सकते हैं, आपको एक चीज आप नोटिस करेंगे कि उनके जो शेप होते हैं वो हमेशा स्ट्रीमलाइंड होते हैं, इसके कारण वो इजीली मूव कर सकते हैं वाटर के अंदर. फिश की जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर एक स्लिपरी स्केल बनी होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है और इजीली मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है वाटर के अंदर, जैसे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था. फिश के अंदर जो फिन्स और फिश के फिन्स और टेल्स जो होते हैं वो उसे डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, वाइल फिश के अंदर गिल्स होते हैं जो उसे ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं फिश को. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कैमल और फिश का हमें यहाँ पिक्चर दिया हुआ है. कैमल इजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है और फिश के लिए फिश टैंक बना हुआ है, इस फिश टैंक के अंदर फिश इजीली सर्वाइव कर पा रही है, जैसे कि जहाँ पर सी का एटमॉस्फेयर उन्हें पूरी तरह से दिया जाता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कि वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, डिफरेंट उनके क्रिएचर्स अलग अलग फीचर्स हैं जो उन्हें सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प करते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट जो उनके कह सकते हैं फीचर्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लीव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडाप्टेशन. वो स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिटेट प्रेजेंट रहना जिसके कारण वो इजीली प्लांट और एनिमल जो है वो सराउंडिंग में रह सके उसे अडाप्टेशन कहते हैं, और डिफरेंट एनिमल्स के अडाप्टेशन डिफरेंट होते हैं. और द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लीव इज कॉल्ड हैबिटेट. हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर आप रहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ड्विलिंग प्लेस है या हमारा घर जो हम होम कहते हैं. हैबिटेट इज नथिंग बट द होम. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर द सेम हैबिटेट. और आप ये भी देखेंगे कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक सेम हैबिटेट को शेयर भी करते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर लीव करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, और उनका एग्जांपल है जैसे फॉरेस्ट पर रहने वाले, ग्रासलैंड पे, डेजर्ट पे, कोस्टल माउंटेन्स रीजन पे, इन सब पर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, ये कहा जा सकता है. वाइल जो एनिमल्स लीव होते हैं वाटर के अंदर या वाटर के अंदर ही रहते हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, जैसे पॉन्ड, स्वैम्प्स, लैक, रिवर, ओशन, ये सारे एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं. तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल माउंटेन रीजन्स डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हैं या लोकेट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में. तो देखा जाए तो इस तरह से एक्वेटिक
और टेरेस्ट्रियल दोनों पर ही हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो जो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग हैं हैबिटेट के अंदर, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स जो है जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं। सन और हीट भी अबायोटिक कंपोनेंट में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कुछ प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम अबायोटिक फैक्टर कहें या बायोटिक, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, या इस चीज़ को हम क्या कहेंगे ये हम देख सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी टू में हमें दिया है, चैप्टर वन में हमने पढ़ा था, मूंग या चने को अगर आप जर्मिनेट करते हो या स्प्राउट करते हो उस चीज़ को, तो जब तक वो स्प्राउट नहीं था तब तक वो हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग था या अबायोटिक फैक्टर था। लेकिन अगर आप उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर सोक करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि एक दिन बाद उसके अंदर एक स्प्राउट आ जाएगा। और अगर ज़्यादा दिन आप उसे रखेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि उसमें आपको एक ट्री या एक प्लांट उगते हुए दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि वो बायोटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ है मूंग, और मूंग को अगर आप लेते हैं एक स्मॉल हिप बनाकर, एक अलग से ड्राई सीड्स को अलग रख लीजिए, कुछ सीड्स को आप सोक करके पानी के अंदर सोक करके रख लीजिए, उसके बाद जो आपने वाटर में से आप निकाली है उस सोक को 1 डे बाद, तो आप देखेंगे 3 to 4 days बाद देखेंगे तो वो जो ड्राई सीड्स आपने रखे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वाइल आपने जो सोक किए हुए थे उसे उसमें से भी आपको 3 पार्ट करने हैं। एक पार्ट को आप सनी रूम में रख दीजिए जहाँ पर सूरज की या सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर, एक सीड्स के हिप को आप कंप्लीटली डार्क रीजन में रख दीजिए, आपके कबर्ड में रख दीजिए जहाँ पर लाइट ना जा रही हो, और एक जो आपका पार्ट बचा है उसे आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए पूरी कूल सराउंडिंग में। एंड देन आप उसके 2-3 दिन बाद अगर आप उन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप अगर परफॉर्म करके देखेंगे ये एक्टिविटी, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि अबायोटिक फैक्टर भी बायोटिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर जैसे एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए प्लांट्स के, क्योंकि इनके अलावा, इनके सिवा प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा। और अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, ये जो अबायोटिक फैक्टर्स है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कोल्ड रीजन में और कुछ वेरी हॉट क्लाइमेट के और ये सराउंडिंग के अंदर सर्वाइव करते हैं। अडाप्टेशन जो है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए भी आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो रीजन के, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो आपको अपने अडाप्टेशन को चेंज करना होगा। जैसे कुछ एनिमल्स अगर ऐसे हैं जो अपने अडाप्टेशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या दोज एनिमल्स विच कैनॉट अडाप्ट टू दिस चेंज, वो मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं। ओनली जो अडाप्टेड कर सकते हैं, जो सिचुएशन है, जो क्लाइमेट है, उसको वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट वेज के होते हैं और एनिमल्स को उन्हें अडेप्ट कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट हैबिटेट की जर्नी है। पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट की बात करें तो अबायोटिक फैक्टर डेजर्ट में जो है, और अडाप्टेशन जो है कैमल्स का, इनकी बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स डेजर्ट में आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कैमल ही एक ऐसा है जो इजीली वहाँ सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि कैमल जो है उसे वाटर की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। लेकिन आपको डेजर्ट में रैट्स और स्नैक्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे कि हमने कैमल की बात की थी कि उनके जो लेग होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, इसलिए वो इजीली सैंड से दूर अपनी बॉडी को रख सकते हैं। बाकी रैट्स और स्नैक्स के साथ में ये चीज़ नहीं होती, पर वो अपने आप को स्टे करने के लिए बहुत ही हीट के टाइम पे वो ब्यूरोज के अंदर, डीप ब्यूरोज बना देते हैं सॉइल के अंदर, एंड उसके अंदर जाके स्टे करते हैं, सैंड के अंदर गड्ढे करके कह सकते हैं हम कि उसके अंदर वो रहते हैं, तो इजीली वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, और सिर्फ नाइट टाइम में वो बाहर आते हैं। तो इस तरह से रैट्स और स्नेक्स की बात करें तो वो भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस प्लांट जो है वो डेजर्ट में इजीली सर्वाइव कर लेता है, बहुत ही इजीली प्लांट, क्योंकि कैक्टस को जो है वाटर की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो लीफी नहीं होता। अगर किसी प्लांट में लीफ है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वाटर की, लेकिन कैक्टस जो प्लांट ऐसा है जिसके अंदर लीफ नहीं होते या बहुत ही छोटे लीफ होते हैं, इसलिए वो विदाउट वाटर या लो वाटर के साथ में काम कर सकता है। नेक्स्ट बात करें माउंटेन रीजन की, तो जहाँ पर हिमालयन एरिया है या पर जहाँ पर पहाड़ों का एरिया है, उस एरिया में अगर हम बात करें तो नॉर्मली वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड होता है और हवा वाला होता है, जब विंडी कह सकते हैं, वाइंडी एयर, वाइंडी एटमॉस्फेयर होता है। कुछ एरियाज में स्नोफॉल भी होते हैं विंटर सीजन में, तो
इस जगहों पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी वैरायटी आप डिफरेंट देखेंगे, या आप देखेंगे वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ मैं दिया है ट्रीज ऑफ माउंटेन हैबिटेट, जो ट्रीज माउंटेन हैबिटेट पे होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आप जब उन्हें देखेंगे या नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल कोन शेप की बनी होती है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं इसकी, सो दैट इट कैन ईजिली स्लाइड ऑफ द स्नो एंड रेन वाटर, जो भी उसके ऊपर गिर रहा है उसे ईजिली स्लाइड ऑफ कर सके। इसलिए ट्रीज का जो शेप होता है वो कोन शेप का होता है। और वहाँ की अगर एनिमल्स की बात करें तो स्नो लियोपार्ड की बात करें तो इस तरह से ये जो एनिमल्स होते हैं वो भी पूरी तरह से फर से ढके हुए होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो फर से, थिक फर या स्किन उनकी बॉडी के ऊपर होता है जिसके कारण वो इजीली कोल्ड में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे याक है जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं उन्हें गर्मी देने के लिए, स्नो लियोपार्ड के पास भी थिक फर होते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो स्नो लियोपार्ड का है, सेकेंड ये जो डायग्राम है ये याक का है, और थर्ड डायग्राम जो है ये इसे हम कहते हैं माउंटेन गोट्स। जो ये तीनों भी एनिमल्स जो हैं आपको मेनली देखने को मिलेंगे माउंटेन रीजन में, क्योंकि इजीली सरवाइव कर सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट के लिए। इनके जो फीट और टोज होते हैं वो भी पूरे की पूरी ढके होते हैं फर से या थिक स्किन से, इसके कारण वो इजीली चल भी पाते हैं, और ये उनके जो प्रोटेक्शन है फीट और टोज का वो उन्हें इजीली कोल्ड में वॉक करने के लिए भी मेंटेन करके रखता है, इस तरह से वो मेंटेन हो जाते हैं। अब ग्रासलैंड की बात करें तो जहाँ पर ग्रासी एरिया है, जैसे लॉयन लीव करता है फॉरेस्ट के अंदर, तो वो एरिया होता है ग्रासलैंड का, जहाँ पर बड़ी बड़ी सी ग्रास आपको देखने को मिल सकती है। और लॉयन इस चीज़ का फायदा उठा सकता है कि बड़े बड़े जो ग्रास होते हैं वहाँ पर वो एनिमल्स को या अपने प्रे को इजीली कैच कर सकता है, बिकॉज उसकी स्किन होती है एक लाइट ब्राउन कलर की जो इजीली देख नहीं पाते, क्योंकि ड्राई लीव्स अगर हो जाते हैं या ड्राई ग्रास हो जाती है तो उसका कलर सेम उसी तरह हो जाता है जिस तरह से लॉयन का कलर है। तो वो इजीली अपने प्रे को कैच करने के लिए उन ग्रासेस का यूज़ कर सकता है उसके पीछे छुपने के लिए, एंड देन वो इजीली उनके ऊपर अटैक भी कर सकता है। लॉयंस के पास लॉन्ग क्लॉज होते हैं और उनके फ्रंट लेग्स जो होते हैं उसमें क्लॉज होते हैं, लॉन्ग क्लॉज होते हैं, और जो उनकी टोज के ऊपर बने होते हैं, और इस तरह से वो उन्हें हेल्प करता है प्रे को सर्च करने के लिए। और उनकी जो आईज होती है लॉयंस की आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जिसके कारण इजीली वो अपने शिकार को देख सकता है। वाइल अगर हम डियर की बात करें तो डियर एक प्रे की तरह यूज में आता है, कि डियर जो है वो हम कह सकते हैं कि लॉयन का प्रे है। तो डियर की जो आईज होती हैं वो देखेंगे आपकी हमेशा कि फेस फ्रंट में होती है, फेस के टू करेक्ट अबाउट मतलब सॉरी जो डियर होता है उसकी आईज जो होती हैं आपको थोड़ा साइड में दिखेंगी, ताकि उसके कारण वो इजीली देख सके चारों तरफ कि कहीं पे उसका प्रिडेटर तो नहीं है। प्रिडेटर मतलब वो जो एनिमल का डियर शिकार हो रहा है, तो वो एनिमल जो डियर का शिकार कर रहा है दैट इज प्रीडेटर। तो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए डियर की जो आईज होती हैं वो थोड़ा साइड में होती हैं, ताकि वो इजीली ऑल द डायरेक्शन में देख सके कहीं कोई डेंजर तो नहीं है। अब हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो ओशन जैसे है, तो ओशन की बात करें तो ओशन में ये होता है कि हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फिश और एनिमल्स अलग देख सकते हैं हम, जैसे स्क्विड्स और ऑक्टोपस भी हमें देखने को मिलते हैं ओशन में, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर एनिमल्स वहाँ पर स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, ताकि वो ईजिली मूव कर सकें या ईजिली स्विम कर सकें वाटर के अंदर। जैसे आप जितना नीचे नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि जो स्क्विड और ऑक्टोपस है ये आपको हमेशा सी बेड में या कैच मतलब सी बेड में ही देखने को मिलेंगे, या एकदम डीपर मिलेंगे ओशन में, और वो इजीली अपने प्रे को कैच कर लेते हैं। जो भी प्रे उनके सामने आता है उसे वो इजीली कैच कर सकते हैं। उनके बॉडी शेप भी स्ट्रीमलाइन बने होते हैं और उनके पास भी गिल्स होती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, कह सकते हैं ब्रीथ करने के लिए। कुछ सी एनिमल्स जैसे डॉल्फिन और वेल्स की बात करें तो उनके पास गिल्स नहीं होते ब्रीथ करने के लिए, उनके पास में नॉस्ट्रिल्स होती हैं जिसको हम ब्लो होल्स कह सकते हैं, जो उनके अपर पार्ट के ऊपर हेड के अपर पार्ट पर लोकेट होते हैं, और ये इसके कारण इसके थ्रू डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं और एयर सरफेस सॉरी वाटर सरफेस के अंदर इजिली ब्रीथ कर सकती हैं। और ये जो हैं ये टाइम टू टाइम ये कुछ समय विदाउट ब्रीथिंग भी रह सकती हैं, कुछ समय कह सकते हैं या लॉन्ग टाइम कह सकते हैं कि विदाउट ब्रीथिंग रह सकती है, और ये टाइम टू टाइम सरफेस के ऊपर भी आती हैं कुछ टाइम के लिए आ सकती हैं, बिकॉज वो विदाउट ब्रीथिंग भी कुछ टाइम रह सकती हैं, इसलिए ये जो फिशेस हैं ये इजीली ऊपर आ सकती हैं या कह सकते हैं सरफेस ऑफ वाटर में आ सकती हैं। इसीलिए हम देखते हैं डॉल्फिन्स के काफ़ी शोज हमें दिखाए जाते हैं, तो डॉल्फिन शोज में यही दिखाता है क्योंकि डॉल्फिन्स जो हैं वो वाटर के बाहर भी रह सकती हैं कुछ समय के लिए, इसलिए वो शोज हम मोस्टली देखते हैं।
पॉन्ड्स एंड लेक्स, अगर पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पॉन्ड, लेक, रिवर और कुछ ड्रेन्स जहाँ पर पानी है, जमा हुआ पानी है, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट देखने को मिलेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपको वाटर के सर्फेस के ऊपर दिखेंगे, कुछ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम्स दिखेंगे और कुछ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ रूट्स आपको दिखेंगे वहाँ पर, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो वो बहुत ही मतलब जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यहाँ डायग्राम में हमें दिया है। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, सम हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम एंड सम एक्वेटिक प्लांट्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से सबमर्ज हो चुके हैं वाटर के अंदर। तो इस तरह से बात करें तो एब्सॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का वाटर के अंदर से, तो वो प्लांट्स अपने आप ले लेते हैं पानी के अंदर जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही रिड्यूस साइज के होते हैं और वो प्लांट जो हैं वो फंक्शन बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं उस प्लेस पे। कुछ प्लांट्स के स्टीम्स जो होते हैं काफ़ी लॉन्ग होते हैं, हॉलो और लाइट होते हैं, इसीलिए वाटर सरफेस के ऊपर वो इजीली रह सकते हैं या टिक सकते हैं हम ये कह सकते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो टोटली सबमर्ज हो जाते हैं वाटर के अंदर, और वो प्लांट का जो सारा का सारा पार्ट है, ऑल पार्ट जो है वो अंडर वाटर ही ग्रो करता है। कुछ प्लांट्स आपको नैरो और थिन रिबिन की तरह दिखेंगे, उनके लीव्स जो होते हैं वो थिन रिबिन की तरह दिखेंगे, वो भी पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो फ्रॉग जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल जो हमें पॉन्ड्स में मोस्टली देखने को मिलता है और वो भी इजिली पानी के अंदर रह सकता है। उसकी जो बैक होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग बैक लेग्स होते हैं, पीछे के लेग्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं जो उसे लीपिंग और कैचिंग के प्रे कैच करने के लिए काम में आते हैं। उनके फिट वेब होते हैं इसलिए वो इजीली स्विम भी कर सकते हैं वाटर के अंदर। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप अगर सोचें और ऐसे बनाएंगे, आप दिमाग में अपने लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव करते हैं। अब हमारे आसपास के लिविंग थिंग्स की बात करें तो देख सकते हैं हम कि डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, एक्टिविटी वन में जो हमने देखे थे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर बात करें हम कि जैसे ट्रीज, क्रिपर, स्मॉल बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, ड्राई लीव्स, एयर, डेड एनिमल्स, मशरूम, मॉस, ये सारे के सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं। इन्हें हमें डिफरेंट करना है, कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। अब हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई डिफरेंस के लिए कहा जाए कि किस तरह से आप डिफरेंस निकालेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में, कि कौन से जो थिंग्स हैं वो लिविंग है और कौन सी नहीं, तो आप किस तरह से निकालेंगे डिफरेंस, जैसे कि चेयर, टेबल, स्टोन या कॉइन, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स ले लें तो ये सारे के सारे अलाइव हैं। सिमिलरली डू नो हम लोग भी अलाइव हैं। अगर हम ये सोचें कि ये लोग अलाइव हैं तो इस तरह से पीपल्स की बात करें हम लोग भी अलाइव हैं, और एनिमल्स की बात करें डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट और दूसरे एनिमल्स की बात करें तो ये सब भी अलाइव हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने चेयर टेबल की बात की तो हमें जो इसके पहले एक पोयम दी हुई है, इस पोयम में हमें ये बताया हुआ है कि यहाँ पर एक चेयर टेबल से बात कर रहा है, टेबल एंड चेयर का कन्वर्सेशन हो रहा है और इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि अलाइव हैं। लेकिन क्या रियल में चेयर टेबल अलाइव हैं? नहीं है। तो हम किस तरह से डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है? तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ग्रो करते हैं हम लोग तो हम अलाइव हैं। तो वैसे तो क्लाउड जो हैं वो भी स्काई में ग्रो करते हैं, वो धीरे धीरे उनके साइज बढ़ते हैं, तो क्या वो लिविंग है? नहीं। इस तरह से ही अगर हम मूव करने की बात करें तो कार एंड बस भी मूव करती है, तो क्या वो लिविंग है? नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास में हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम लिविंग थिंग को या कह सकते हैं अबायोटिक फैक्टर को बायोटिक बता सकते हैं या नहीं बता सकते, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें नोटिस करनी है और वो ये हैं कि क्या सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहली चीज़ ये है। तो यस, जितने भी लिविंग थिंग हैं उनके लिए फूड सबसे एसेंशियल फैक्टर है और फूड बहुत ही ज़रूरी है। एनिमल्स तो खुद फूड, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग, वो खुद अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है या अदर एनिमल पर डिपेंड है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद का फूड बनाते हैं, इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, आप यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या आप जब छोटे थे तो वो जो कपड़े थे, आप बड़े होने के बाद में वो कपड़े आपको आते हैं? नहीं आते, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, आपकी ग्रोथ हुई है, आपकी हाइट में, आपकी हेल्थ में। तो ये चीज़ सिर्फ लिविंग थिंग के साथ
बाद में पॉसिबल है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें चिकन दिया हुआ है, चिकन का एग जो है, एग में से हमें एक ये निकला है और उसके बाद वो बड़ा होकर ग्रो होकर एक एडल्ट बन गया है, हैन जिसको या कॉक बोल सकते हैं, ये बन गया है। तो एनिमल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है और उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी होती है, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। जैसे सीड्स हैं, सीड्स के थ्रू प्लांट्स ग्रो करेगा, इस तरह से ग्रोइंग का प्रोसेस जो है वो प्लांट के अंदर भी चलता है। रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन इज नथिंग बट द ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पायरेशन की प्रोसेस का, और रेस्पायरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही है। रेस्पायरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन जो है उसे इनहेल करते हैं, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। वही अगर हम प्लांट के साथ देखें तो प्लांट के साथ यही होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पायरेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे अर्थ वॉर्म की बात करें तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, वेल फिश की बात करें तो गिल्स के थ्रू करती है। इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की, या ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है। अब हम देखेंगे कि क्या सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुली इज द कह सकते हैं कि एकदम क्विकली रिएक्शन किसी चीज़ पर देना, दैट इज स्टिमुली होता है। जैसे कि हमें यहाँ स्टिमुली की डेफिनेशन दी हुई है, तो चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे हम लोग ले लें कि अगर आपके पैर में थ्रोन लग जाता है तो आपका रिएक्शन किस तरह होगा, कोई फेवरेट फूड आपके सामने आ जाता है तो आपका रिएक्शन उसके ऊपर किस तरह से होगा। इस तरह से ये जो आपका क्विक रिस्पॉन्स है उस चीज़ को उसे स्टिमुली कहा जाता है, और ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कह सकते हैं फंक्शन है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली वो स्टिमुली परफॉर्म करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुली पे। ये एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल्स के साथ में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप अचानक एनिमल्स के सामने कुछ रख देते हैं, खाने की चीज़ कुछ रख देंगे, तो वो उस पर क्विक रिस्पॉन्स आपको देंगे। वहीं वाइल्ड एनिमल के सामने अगर आप ब्राइट लाइट अगर फ्लैश करते हैं तो वो भी भागने की कोशिश करेंगे। कॉकरोचेस की बात करें, अगर कॉकरोचेस हैं उनके सामने आप किचन का स्विच ऑन कर दें लाइट को, तो वो अचानक आपको वहां से गायब होते हुए दिखेंगे। तो इस तरह से एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। और प्लांट की बात करें तो प्लांट भी स्टिमुली करते हैं, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि हम मिमोसा प्लांट की बात कर लें, जो होता है टच मी नॉट, आप जैसे ही उसे टच करेंगे वो बंद हो जाता है। तो ये भी एक स्टिमुली का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी फोर्थ में हमें दिया हुआ है कि इस तरह से हम प्लांट्स को रखें। अगर एक सनलाइट में आप रखते हैं एक प्लांट को, और कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें आप अंधेरे में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सनलाइट में आपने रखे हैं प्लांट वो ग्रो करने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही उन्हें सनलाइट मिल रही है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर किसी प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन का फंक्शन भी होता है। एक्सक्रीशन ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दिस वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को हमारे खाना खाने के बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिएंट एंड ऑल, ये सब हमारी बॉडी को मिल गया, उसके बाद जो वेस्ट बचा है हमारी बॉडी का, उसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। और ये प्रोसेस सिर्फ एक्सक्रीशन के अंदर ही पॉसिबल है, या एक्सक्रीशन सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही पॉसिबल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये प्रोसेस सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर तो होती ही है, बट प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी एक अलग मैकेनिज्म के थ्रू एक्सक्रीट करता है, कुछ डिफरेंट टाइप से करता है। जैसे हार्मफुल या पॉइजनस मटेरियल के फॉर्म में प्लांट जो है अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीट जो है ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब नेक्स्ट है कि क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उनके ओन काइंड को? तो यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनके अंदर होता है, या कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो एग्स को ले करते हैं, एंड देन उसमें से बेबी बर्ड्स निकलते हैं या यंग वंस मिलते हैं, निकलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट काइंड से होता है। एक तो या तो आप एग्स ले करके भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली आपको अपने ही टाइप का यंग वन आप प्रोड्यूस करते हैं, या यंग वन को आप बर्थ देते हैं। जैसे कि डॉग कैट की बात करें तो ये यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। उसके बाद प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी यही होता है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सीड था जिससे प्लांट बना, और वो सीड से धीरे धीरे जर्मिनेशन की प्रोसेस होकर एक नया प्लांट बना। अब वो नए प्लांट में से अगर कोई सीड बाहर आता है, एंड वो सीड के साथ भी सेम प्रोसेस होगी, मतलब प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है।
ये आप देख सकते हैं पोटैटो का प्लांट था, पोटैटो के अंदर से जो उसका एक बड होता है वो बड से दूसरा प्लांट बना और दूसरा बड फिर कहीं पे स्प्रेड हुआ है देन उससे तीसरा प्लांट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से न्यू प्लांट का ग्रोथ हुआ है एक बड से, पोटैटो के बड से। तो इस तरह से डिफरेंट हमें एक्टिविटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। वहीं अगर आप देखेंगे कि एक रोज का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रोज जो है वो रिप्रोडक्शन प्लांट में किस तरह से होता है वो आप इस एक्टिविटी में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक और चीज़ है कि रिप्रोडक्शन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, तो सिर्फ प्लांट को छोड़ दो तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग दोनों भी मूव कर सकते हैं, पर प्लांट जो हैं वो मूव नहीं करते लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखा देते हैं जिससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि प्लांट मूव करते हैं लेकिन वो सॉइल के अंदर पूरी तरह से दबे होते हैं कह सकते हैं हम, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जैसे वाटर या मिनरल या फूड की बात करें तो ये प्लांट के अंदर घूमते रहती हैं चीज़ें, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट भी मूव कर सकते हैं या इन द सेंस कि हम समझ सकते हैं कि हाँ मूवमेंट उनकी कंसिडर हम कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं जैसे कि बस कार की बात करें तो ये भी मूव करते हैं लेकिन क्या ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वही हैं जो हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जो हमने पहले पढ़े थे, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और डाई एक लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डाई एंड बर्थ की प्रोसेस नहीं होती। नॉन लिविंग में ये चीज़ें नहीं होती, लिविंग थिंग में डाई होता है, बर्थ होता है, ये चीज़ें होती है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर फूड नीड फूड या रेस्पायर रिस्पॉन्ड स्टिमुली रिप्रोड्यूस शो मूवमेंट ग्रो डाई ये सारी चीज़ें दिखती हैं, सारी चीज़ें जिसमें दिखती हैं वो चीज़ को हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेल जो इनमें से कोई एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। इस तरह से हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे मूंग का हमने पहले एक एग्जांपल लिया हुआ था, अगर आप मूंग की बात करें तो जब मूंग रखा हुआ है ओनली मूंग का सीड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे वाटर में सोक करके कुछ दिन रखते हैं एंड देन उसके बाद आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो हम इस चीज़ में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि मूंग का एग्जाम्पल ले लें कि अबायोटिक फैक्टर था जो कुछ प्रोसेस के बाद में बायोटिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज लाइफ, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से लाइफ होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप एक एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया हुआ एक्टिविटी कि आप अपने हाथ को एक वीट के सैक के अंदर डाल के रखिए जो पूरी तरह से वीट से भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद जब आप अपने हाथ को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में कुछ वेटनेस है या थोड़ा गीलापन लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो वीट है, वीट के जो दाने हैं या सीड्स है वो भी रेस्पायरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। दो की उनकी जो बाकी प्रोसेसेस है वो एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी उनके अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि देन व्हाट इज़ लाइफ। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।